Cathode ray oscilloscope. Cathode ray oscilloscope एक electronic display device है जो कि electrical signals को visual signals में convert करके visible patterns बनाती है जिन्हें हम image की form में देख सकते हैं. History of cathode ray oscilloscope. German physicist Ferdinand Braun ने 1897 में पहली cathode ray oscilloscope develop की. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का सेंट्रल पार्ट कैथोड रे ट्यूब है. हिस्ट्री ऑफ कैथोड रे ट्यूब. जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में कैथोड रे ट्यूब को अभी तक ब्रॉन ट्यूब कहा जाता है. मेन पार्ट्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब. कैथोड रे ट्यूब के तीन मेन पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम और फ्लोरोसेंट स्क्रीन. इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन एक फिलामेंट, एक कैथोड और दो सिलेंड्रिकल एनोड्स पे मुश्तमिल होता है. फिलामेंट बैटरी से कनेक्टेड होता है जो कैथोड को हीट अप करता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और एनोड्स जो कैथोड के सामने होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं. डिफ्लेक्टिंग सिस्टम. डिफ्लेक्टिंग सिस्टम प्लेट्स के दो सेट पर कंसिस्ट होता है. वाई प्लेट्स की पोजिशन हॉरिजॉन्टल होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकल डिफ्लेक्ट करवाती हैं, जबकि एक्स प्लेट्स की पोजीशन वर्टिकल होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्ट करवाती हैं. फ्लोरोसेंट स्क्रीन. फ्लोरोसेंट स्क्रीन फ्लैट और अंदर की साइड से फॉस्फोरस से कोटेड होती है. जब इलेक्ट्रॉन बीम इस पर हिट करती है तो स्क्रीन ग्लो करती है और इमेज बनता है. वर्किंग ऑफ कैथोड रे ट्यूब. इलेक्ट्रॉन गन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है. एनोड्स इन इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप करते हैं. डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स इंतहाई कम फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. जब इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पर हिट करती है तो एक ब्राइट स्पॉट बनता है. स्क्रीन पर इमेज बनाने के लिए डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स पर सिग्नल्स अप्लाई किए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. टीवी सेट में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पिक्चर ट्यूब के तौर पे यूज़ होता है. वीडियो सिग्नल्स जो टीवी ट्रांसमीटर से भेजे जाते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे अप्लाई होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन को स्कैन करे. स्क्रीन पे स्पॉट्स सीक्वेंस में होते हैं. हर स्पॉट तीन फॉस्फर डॉट्स पे कंसिस्ट होता है जो प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू को रिप्रेजेंट करता है. जब इलेक्ट्रॉन बीम स्पॉट से हिट करती है तो ये उसी फॉस्फर के हिसाब से रेड, ग्रीन या ब्लू ग्लो होती है. अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पॉट में एक से ज़्यादा फॉस्फर पे हिट करे तो एक दूसरा रे कलर दिखाई देता है. लिहाजा एक ख़ास प्रोपोर्शन में तीन प्राइमरी कलर्स का कॉम्बिनेशन टीवी स्क्रीन पे कलर्ड पिक्चर बनाता है जो पिक्सल से मिलकर बनता है. अगर हम जूम करके देखें तो इसके पिक्सल्स शो होते हैं, लेकिन स्कैनिंग इतनी तेज़ी से होती है कि हमारी आँख स्क्रीन पर एक कॉन्स्टेंट इमेज देखती है. अदर एप्लीकेशंस. इसके अलावा एकोस्टिक रिसर्च में वाइडली यूज होता है. रडार सिस्टम में एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है. थैंक यू.